अरे तुम लोग ने रानी को कहीं देखा? अपने हल्दी फंक्शन से दुल्हन कैसे गायब हो सकती है? राज बेटा, अरे राज, तुमने रानी को कहीं देखा है? प्यारे अरे मुर्गा पहले आया के अंडा अरे छोड़ दिमागी बातें प्यारे कहानी मुर्गी रात भर रोए मुर्गी रात भर न सोए मुर्गा है का दीवाना अंडा है मैं नहीं आना जब भी नचे तू ये क्या कर दिया तुमने? तुमने रानी को हल्दी पहले लगा दी? एक दुल्हन को पहली हल्दी उसकी माँ लगाती है। ये क्या कर दिया तुम दोनों ने? कैसा अनर्थ कर दिया? बुआ जी, कोई अनर्थ वनर्थ नहीं हुआ है। माँ का हक एक स्टूपिड हल्दी के लेप पर नहीं बल्कि उसकी बेटी पर होता है। और वैसे भी आपकी इस रस्म के हिसाब से एक माँ अपनी बेटी पर हल्दी लगाकर उस पर से सारे हक छोड़ देती है ना, उसको पराया कर देती है। पर मैं अपनी मॉम के लिए कभी पराई नहीं होंगी। अगर राज मेरी मोहब्बत है तो मेरी मॉम मेरी हिम्मत है। मैं दोनों से बहुत प्यार करती हूँ। और वैसे भी राज ने सबसे पहले मुझ पर हल्दी लगाकर यह साबित किया है कि मैं सिर्फ एक बेटी ही नहीं हूँ बल्कि अब मैं राज के रंग में भी रंग चुकी हूँ। और मॉम, आप ही बताइए मॉम, मैंने क्या गलत किया? आप ही ने मुझे सिखाया है ना कि हर रिश्ता पूरे मन से निभाना चाहिए। तो क्या मैंने कुछ गलत किया? आपके परिवार से बातचीत है आपकी? नहीं करते, कोशिश की मैंने बात करने की, बात नहीं करते। अच्छा, लेकिन आपके ससुराल में आपको बहुत पहले से पूरा 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 सपोर्ट है? वो बहुत सपोर्ट करते हैं। आपने इनमें से कौन सी ऐसी चीज थी जो एक्सप्लोर की शादी के बाद? इनको मैंने ज्यादा कभी कुछ अपने बारे में इतना बताया नहीं, जो भी पता चला वो मिलने पे जितना पता चला। क्या पता चला शादी के बाद? बहुत सारी बातें पता चली। सबसे इम्पोर्टेंट बात थी मैडम जी का गुस्सा। हफ्ते लगते हैं मनाने के लिए, मिन्नतें करनी पड़ती है और मानती है 10 मिनट के लिए और 15वें मिनट पे गुस्सा। क्या हेट्स, डिस्टर्ब मत कर यार। डिस्टर्ब मत कर, बोल तो ऐसे रही है जैसे कोई बड़ा इंपॉर्टेंट काम कर रही है तू। कर रहे हैं आप? और तुम
भरी चोट दिख रहा है। अरे उसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे मुझे देखिए ड्रेसिंग ठीक से है कि नहीं। अरे ड्रेसिंग ठीक है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। चुपचाप हाथ दिखाओ। अरे सब ठीक है, आप छोड़िए ना, मैं देख लूंगी, मैं ड्रेसिंग भी कर लूंगी। चुप रहो ना, तुम्हारी मुंह पर ड्रेसिंग करूंगा मैं। क्या? और नहीं तो क्या। अरे लेकिन इतनी चोट ही नहीं लगी है जितने आप परेशान हो रहे हैं। अरे चोट नहीं लगी, तुम चुप नहीं हुई या तुम्हारा नाक। नाक तोड़ देंगे आप मेरा। तुम्हारी नाक पर बटन दबा दूंगा मैं, उसके बाद बोल नहीं पाओगी कुछ भी। लेकिन मैं बता रही हूँ ना, ठीक है, अभी ड्रेसिंग करने की जरूरत नहीं। अभी